प्रदेश में चोरी और हत्या के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हाल ही में होडल थाना इलाका स्थित गड़ी पट्टी में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पंप मालिक के भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया और 40,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। इस दौरान पंप के सेल्समैन व अन्य कर्मचारियों के साथ मारपीट कर उन्हें भी घायल कर दिया गया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर 4 नामजद और 10 से 12 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। महावीर जी बताएंगे, जो पेट्रोल पंप पर लूट की घटना हुई है, क्या मामला है? हम पंप पर, मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा भतीजा आया था वहाँ पे और वर्कर तेल गिर रहे थे जी। तो ऐसे ही कम से कम 10-15 बंदे आए, बाइकों पे सब पकड़ते थे जी, और उन्होंने आते ही गोली स्टार्ट कर दी। आज क्या मामला हुआ? उन्होंने लूट की, जो सेलमैन पर 30-40 हज़ार रुपये थे उन्हें लूट ले गए। उस भतीजे के 4 गोली लगी हैं और उसके भतीजे की गले की चैन और 10,000 रुपये भतीजे के लूटे हैं। भतीजे क्या नाम है आपके? भतीजे का आकाश अनोप राजेश। तो आपने इसकी सूचना पुलिस करीब को 15 मिनट बाद आई वहाँ पे। तो आपको मामला दर्ज किया पुलिस ने? अभी पता नहीं, अभी तो हम हॉस्पिटल में ही हैं। तो कितने लोगों को गोली लगी है इसमें? गोली आकाश को लगी है खाली। कितनी गोली लगी है? 4 गोली लगी है आकाश। वो कहाँ है फिलहाल? आकाश फरीदाबाद के लिए रेफर कर दिया है। अच्छा, और तुम्हारे कितनी चोट है? मेरे एक पाम की उंगली टूटी है, एक हाथ टूट गया और वैसे गुम चोट है। तो वहीं जांच अधिकारी एएसआई कृष्ण कुमार ने बताया कि महावीर ने शिकायत दी है कि गड़ी पट्टी में उसका जय बाबा लालदास पंप के नाम से पेट्रोल पंप है। बीती देर शाम को वो और उसके भतीजा पंप पर मौजूद थे, तभी एक बाइक सवार 2 युवक पंप पर तेल लेने आए। कर्मचारियों ने उनकी बाइक में तेल डाल दिया और उनसे रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने तेल के रुपए देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर उक्त युवकों ने पंप सेल्समैन के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। वहां मौजूद उसके भतीजे आकाश ने झगड़े को सुलझा दिया और दोनों युवकों को समझा बुझाकर पंप से भेज दिया। करीब 1-2 घंटे बाद उक्त दोनों लड़के बाइक पर सवार होकर पेट्रोल पंप पर आए और आते ही उसके भतीजे आकाश के दोनों पैरों में गोली मार दी। उस पर 4-5 आदमी व अन्य बाद में 12 आदमियों ने आकर हम झगड़ा किया, वहाँ गोली चलाई, जिस पर मुकदमा नंबर 205 दर्ज किया गया और जिसमें एक आकाश नाम का मजलूब है उसको ज़्यादा दोनों पैरों में चोट लगी है, गोली लगी है, जो अपना इलाज फिरदाबाद में होता है। बाकी अन्य से तो सर घायल भी है इसमें? हाँ घायल भी है। अच्छा, इसमें घायल है सर? तो सर मतलब कितने पैसे भी लूट करी है और क्या कार्रवाई करी आपने? 20-30 दिहार करी उसमें, जो उसमें कैश उसमें थे रूम में, और 10,000 रुपये गेम में। मतलब 40-50 हज़ार लूट? 40-50 हज़ार रुपये और सोने की चैन। तो आरोपी फरार हैं? आरोपी फरार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या तलाश की जा रही है? की जा रही है, रात को भी हम ब्रेड मार्क आए थे। तो अब किस धाराओं के तहत मामला दर्ज किया? 148 फिलहाल पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, फिलहाल सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। होडल से हरिओम भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।